सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग? उम्मीद करते हो अच्छे हो। मेरा नाम सागर और आप लोग देख रहे हैं टेक बॉय सागर चैनल। गाइस, आज की इस नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं आज बताऊंगा कैसे आप लोग आपका एक यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल 3D लोगो डिजाइन कर सकते हो, वो भी अपना फोन से। कोई भी PC लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों का जो हैंडसेट है उससे आप लोग ये कर सकोगे। और गाइस, इसके लिए सिंपली जरूरत है PicsArt की और पिक्सल लैब की, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक 3D वॉलपेपर की, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने PicsArt को ओपन कर लिया हो। उसके बाद सिंपली आप लोग प्लस बेल आइकन पे ऊपर जाना होगा, उसके बाद सिंपली आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा इसके ऊपर। उसके बाद सिंपली आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्राइंग, वहाँ पर आप लोगों को सी ऑल पर क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली आप लोग न्यू क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके सिंपली एरो पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर जो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप लोगों बॉक्स को चूज कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे आकर फिल करके ओके कर देना। ओके करने के बाद कुछ उसके बाद सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके का ले लेना होगा। लेने के बाद सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसे बैठा लेना होगा। उसके बाद फिर से और एक यहाँ से आप लोगों को ले लेना होगा उसके बाद सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर बैठा देना होगा। फिर से आप लोगों को एक और ले लेना होगा कुछ इस तरीके से, उसे यहाँ पर सिंपली आप लोगों को बैठा देना होगा। बैठाने के बाद सिंपली आप लोगों को इसका जो कलर है, यहाँ पर कलर को आप लोग व्हाइट कर लेना होगा। व्हाइट करने के बाद कुछ इस तरीके से बॉक्स एक ले लेना होगा। बॉक्स को लेने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसे यहाँ से कट कर देना। फिर से और एक बॉक्स ले लेना होगा। लेने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से कट कर देना होगा। कट करने के बाद सिंपली आप लोगों को इसका कलर को फिर से चेंज करके ब्लैक कर लेना होगा। ब्लैक करने के बाद सिंपली आप लोगों को फिर से यहाँ पर आना होगा। आने के बाद सिंपली आप लोगों को सर्कल को ले लेना होगा। लेने के बाद सिंपली आप लोगों को स्ट्रोक पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एक सर्कल बना लेना होगा। सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोगों को सर्कल को बना लेना होगा। सिंपली आप लोग ध्यान से इसे बना लीजिएगा। सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोगों को सर्कल बना लेना होगा। उसके बाद सिंपली सॉरी गाइस, और एक सर्कल को आप लोगों को ले लेना होगा। लेने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसे यहाँ पर बैठा देना होगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को ध्यान से इसको बैठा देना होगा कुछ इस तरीके से। सो गाइस, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैठा देना होगा। बैठाने के बाद सिंपली आप लोगों को फिर से इसका कलर को व्हाइट कर लेना होगा। व्हाइट करने के बाद सिंपली फिर से यहाँ पर जाके सिंपली आप लोगों को बॉक्स को चूज करके फिल करके ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसे ले कर सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ले आना होगा। ले आने के बाद सिंपली कुछ यहाँ से इसे ले कट कर देना होगा। कट करने के बाद फिर से और एक को ले लेना होगा। लेने के बाद सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर बैठा के कट कर देना होगा। कट करने के बाद सिंपली आप लोगों को लेयर वाला ऑप्शन पे जाना होगा। लेयर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करके फोटो लेयर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को जो 3D एक फोटो को यहाँ से सिंपली चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद सिंपली यहाँ से ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर जो इसका स्किन है स्किन कर लेना होगा। स्किन करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से जो 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3 डॉट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद सिंपली आप लोगों को पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को इधर जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट को आप लोगों को साइड कर देना होगा। साइड करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर जो लेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप लोगों को चूज कर लेना इसको। सो उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर आके आप लोगों को जो इनपुट है इनपुट कर लेना होगा उस इमेज को, जिस इमेज को आप लोगों को बनाया है, इस इमेज को आप लोगों को इनपुट करके सिंपली ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सिंपली इस तरीके से आप लोगों को इसे बैठा लेना होगा। उसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसके इरेजर कलर कर लेना होगा, इसे एनेबल करके इसे ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सिंपली आप लोगों को
यहाँ पर 3D से ऐप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली से एनेबल करके इसको आप लोग आपका मर्जी से इसका 3D लुक बना सकते हो। किस तरीके से आप लोगों को ड्रैग नेक देना है, किस तरीके से आप लोगों को घुमाना है, इसे कुछ इस तरीके से आप लोगों का मर्जी से आप लोग सेट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली इसे आप लोग ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सिंपली इसको जो शैडो है शैडो को दे देना होगा कुछ इस तरीके से। आप लोगों का मर्जी से आप लोग शैडो को दे दीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आके इसका जो इनोसेंट शैडो है, ऊपर वाला शैडो है, आप लोगों का मर्जी से आप लोग यहाँ पर रेड भी दे सकते हैं, कुछ भी कलर आप लोग चूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप लोग ओके करके नीचे इम्बोस्ट पर क्लिक करके इसे एनेबल करके आप लोगों का मर्जी से इसे आप लोग सेट कर लीजिएगा। मैं मेरा मर्जी से सेट कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ से आप लोगों का मर्जी से इसे सब कुछ आप लोगों का सेटिंग मिल जाएगा। आप लोग किस तरीके से बीबेल देना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का जो मर्जी होता है वो सब आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को सेव इमेज कर देना होगा। सेव इमेज करने के बाद सिंपली आप लोगों को सेव कर लेना होगा इमेज को। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों का जो 3D लोगो बन गया है और यहाँ पर ऐड आ जाएगा। ऐड को क्लिक कट कर देना होगा, बन गया। उसके बाद सिंपली आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मेरा लोगो कैसा बना। सिंपली मैं गैलरी पे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपली मैं गैलरी पे आ गया हूँ। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर आके आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे, मेरा जो लोगो है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से लोगो बन चुका है। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे कुछ इस तरीके का वीडियो लेकर।